स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बधिरों के लिए समाचार। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। ये ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली में अब 6 से लेकर 11वीं तक की फिजिकल क्लास 10 नवंबर तक बंद रहेंगी। प्रदूषण के साथ साथ राजधानी दिल्ली में राजनीति भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इस पर पलटवार किया और कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है। गोपाल राय ने दिल्ली में प्रदूषण के हालात को लेकर यूपी और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम बघेल ने केंद्र पर आरोप लगाया और कहा कि ऐप पर प्रतिबंध लगाना और आरोपियों को गिरफ्तार करना केंद्र सरकार का काम है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐप से 508 करोड़ रुपए लिए और अब इसका जवाब देना होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महादेव बेटिंग ऐप को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि इस सरकार ने महादेव को भी नहीं छोड़ा, घोटाला किसने किया? नड्डा ने सवाल किया कि 508 करोड़ किससे मिला। साथ ही जेपी नड्डा ने कांग्रेस को झूठ बोलने वाली, धोखा देने वाली और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार बताया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। अब पीएम मोदी भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आएंगे। कल से लेकर 9 नवंबर के बीच पीएम मोदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 10 रैलियां करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव के लिए सरदारपुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम गहलोत ने नामांकन दाखिल करने से पहले बहन के आवास पर पहुंचकर बड़ी बहन का आशीर्वाद लिया। इस दौरान गहलोत के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। नामांकन दाखिल करने के बाद गहलोत ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया। UAPA के तहत केंद्र सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ PFI की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय PFI को पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए थी। दरअसल PFI ने UAPA ट्रिब्यूनल के बैन बरकरार रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसराइल हमास के बीच जंग को 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तक 9,700 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और इस बीच इसराइल और हिजबुल्ला के बीच भी हमले जारी हैं और ईरान भी इसराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पश्चिम एशिया में भेजकर एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में पनडुब्बी
मिस्र के काहिरा में मौजूद स्वेज नहर से गुजर रही है। इस पनडुब्बी पर परमाणु मिसाइलें मौजूद हैं। इसराइल ने हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाना अपनी पहली प्राथमिकता बताया। दरअसल इसराइल गाजा में बड़े हमले की तैयारी में है, जिसके लिए सेना ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को दक्षिण गाजा जाने के लिए कहा है। इसराइली एयरफोर्स ने उत्तरी गाजा में विमान से पर्चियां भी गिराई। पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान ने हमास को समर्थन का ऐलान किया है। JUIF के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की और मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन के समर्थन की अपील की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी तहरीके लाबयाक पाकिस्तान पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। और इसी के साथ बधिरों के लिए समाचार में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए राजपथ शोभना यादव के साथ।